भारत ने तकरीबन 2 महीने के बाद कनाडाई नागरिकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा यानी ई वीज़ा सेवा फिर से बहाल कर दिया है। दरअसल सितंबर महीने में भारत और कनाडा के रिश्तों में उस वक्त तनाव पैदा हो गया था जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने 18 जून को खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया था। बता दें कि भारत ने 2020 में निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था। वहीं इस फैसले के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आया है। जयशंकर ने कहा है कि भारत ने वीजा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था क्योंकि कनाडा में जो स्थिति है उसके चलते हमारे अफसरों के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया था। हालांकि अब स्थिति पहले से बेहतर और सुरक्षित है। दरअसल लगभग 2 महीना पहले भारत ने कनाडाई पीएम के आरोपों को बेतुका बताकर खारिज कर दिया था। इस मामले को लेकर कनाडाई नागरिकों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। यहां तक कि भारत ने कनाडा से भारत में अपने राजनयिकों की संख्या को कम करने के लिए भी कहा था। भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा से ये भी कहा था कि वह अपनी सरजमी से गतिविधियां चला रहे आतंकियों और भारत विरोधी तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करे। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के पीएम बार बार भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है। बता दें कि खालिस्तानी समर्थक निज्जर को 18 जून को कनाडा के सरे में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई थी।